ये सब क्या हो रहा है यार? ये कहां आ गया हूं मैं? महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज लीजिए, इन्हें ग्रहण कीजिए। नहीं, यहां कहीं कुछ भूल हो रही है आप लोगों से। मैं आपका महाराज नहीं हूं। महाराज, ये सुंदर नगर है और हम सब सुंदर नगर के वासी। कब से आपके आगमन की और आपके द्वारा यहाँ के राज सिंहासन संभालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब आपका ही है और हम सब आपकी प्रजा। मुझे तो सर्प ने निकला था, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे शीघ्र ही यहां से बाहर जाना होगा, उस क्रीड़ा में लौटना होगा। इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर देव की रक्षा के लिए अब अधिक समय शेष नहीं है। यहां जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है वो सब कुछ आप ही का है महाराज। सत्य है, कितना सुंदर और शांत है ये सुंदर नगर। इतने सुंदर स्थान को छोड़कर जाना तो किसी के लिए भी अत्यंत कठिन होगा। तो फिर आप यहीं बस जाइए ना महाराज। तुम्हारे सेनापति ने प्रथम चाल में कुल 11 अंक प्राप्त किए थे। 11 अंक का ये सर्प कुमार कार्तिकेय को सुंदर नगर लेकर गया है, जिसकी सुंदरता का प्रलोभन किसी को भी मोहित कर वही रहने पर विवश कर देता है। तो वो निरा बालक उससे अछूता कैसे रहेगा? और यदि वहां से निकलने के लिए तुम्हारे सेनापति ने कोई बल, युक्ति अथवा बुद्धि का प्रयोग भी किया तो वो मात्र असफल होकर रह जाएंगे, क्योंकि वहां मैंने व्यवस्था ही ऐसी की है। ऐसा अद्भुत स्थान जहाँ सर्वत्र सुंदरता और शांति है, ये वातावरण मेरे यहाँ वास करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। महाराज की जय! महाराज की जय! कुमार कार्तिकेय के देव सेनापति पद पर स्थापित होने हेतु उनके अभिषेक का शुभारंभ हो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की पुत्र, देव सेनापति हो तुम, देवताओं की रक्षा अब दायित्व है तुम्हारा। जाओ, जाओ अपना दायित्व निभाओ। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय। ओम जानी नाम भी चेतांसि देवी भगवती हिसा। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, अपनी क्षणिक दुर्बलता के प्रभाव में इस सुंदर नगर के प्रलोभन में आकर मैं अपने कर्तव्य का परित्याग कर यहाँ वास करने का विचार कर बैठा था। पुत्र, ये क्रीड़ा ही कुछ ऐसी है, मोक्ष द्वार अथवा मोक्ष पट्टम जीवन की ही यात्रा की प्रतीक है, जो इसमें उत्तम आचरण करता है अच्छाई के मार्ग पर चलता है वो जीवन में ऊपर की ओर बढ़ता है, और जब कोई किसी प्रलोभन में आता है तो उसे दुर्भाग्य रूपी सर्प डसता है। तुम सर्प से चित्रित उस वर्ग में जाके स्थित हुए जो लोक का प्रतीक है, इसीलिए तुम सुंदर नगर पहुंच गए। ये मात्र एक माया है, संसार की माया, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती और उसे उसके उद्देश्य से भटका देती,
और स्मरण रखना पुत्र, यदि इस माया में उलझे तो पुनः भटक जाओगे। मैं समझ गया माता, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप यहीं स्थिर रहकर हमारे इस नगर पर शासन करेंगे ना महाराज? मुझे इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, किंतु मैं आपके राजा के पद पर स्थापित नहीं हो सकता। यहाँ से सुंदर नगर से आज तक कोई लौट कर नहीं गया। नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकोगे यहाँ से, हम तुम्हें कदापि नहीं जाने देंगे। यहाँ के मायावी जीवों के आक्रमण से कदापि विचलित नहीं होऊंगा मैं। अपने उद्देश्य पर स्थिर रहूंगा और यहाँ की माया को भेद कर वापस भी लौटूंगा। सत्य प्रलोभन रूपी सुंदर नगर का, ये सुंदर नगर से कैसे लौट आया? लौट आए कुमार कार्तिके, लौट आए। क्यों तारकासुर, तुम तो कह रहे थे सुंदर नगर का प्रलोभन कुमार कार्तिके को मुक्त कर उन्हें वहीं उलझा देगा, किंतु देखो ये तो तुम्हारे सम्मुख खड़े। जो आज तक कोई न कर सका वो इसने कैसे संभव कर दिया? कुमार कार्तिके के लौटने मात्र से क्या होगा? सर्वप्रथम यह देखो कि वो कहां स्थित है। ग्यारह से सात, तुम तो पीछे छूट गए कुमार कार्तिके, अब क्या करो? तो कुमार उस क्रीड़ा पटल पर पीछे चले गए थे। यही तो है ये क्रीड़ा, यदि इसमें आपको सर्प डस लेता है तो आप स्वतः लुढ़क कर उसकी पूंछ के वर्ग पर पहुंच जाते हैं। किंतु ब्राह्मण देवता, यदि तारकासुर छल कर रहा था इस मायावी क्रीड़ा में, तो कुमार कार्तिके के लिए पासे तो स्वयं स्कंद माता फेंक रही थी। यदि वो चाहती तो कुमार कार्तिके को वो अंक प्राप्त हो सकते थे जो उन्हें विजयी बना देते, है ना? तब माता और तारकासुर में क्या भेद रह जाता? माता, छल कपट माया ये तो एक असुर के अवगुण है, आसुरी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। यदि छल कपट का प्रयोग कर रहा था वो धूर्त तारकासुर,
तो कुमार कार्तिकेय को भी माता का आशीर्वाद प्राप्त था। माता में उनका अटल विश्वास और उनकी भक्ति ही उनकी शक्ति थी। ठीक उसी प्रकार जैसे भैया और मुझे भी अपनी भक्ति और विश्वास में ही आस्था है, वो विश्वास कि महाराज देवोदास भी वही करेंगे जो उचित है और पिताश्री को काशी लौटने के लिए आमंत्रित करेंगे। बालक, अब मेरी बारी। इस दुष्ट को कोई ऐसा अंक ना आ जाए जिससे ये और अधिक आगे बढ़ जाए। मुझे 4 अंक चाहिए। चार तो बड़ा अंक नहीं, किंतु वो तो देखकर ही ज्ञात होगा कि इस अंक से तारकासुर को लाभ होगा अथवा नहीं। ये क्या? अरे वाह, एक और सीढ़ी प्राप्त हो गई है मुझे। क्या? ये दुष्ट तो 50 अंक के स्थान पर पहुंच गया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम यहां से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। सीधे 50वें स्थान पर पहुंच गया हूं मैं। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। मेरा भाग्य मेरे साथ है। क्यों कुमार कार्तिकेय, बोलो। भाग्य का स्वभाव बहुत ही विचित्र होता है तारकासुर। वो कब कैसे पलट कर किसी का दुर्भाग्य बन जाए ये किसी को ज्ञात नहीं। इसीलिए जब तक तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है उसका आनंद ले लो। कदाचित भाग्य और दुर्भाग्य को लेकर सर्वथा अनुचित है तुम्हारा मुझे भाषण देना। अरे इतनी ऊंचाई से जहां पर मैं पहुंच चुका अत्यंत दुर्बल दिख रहा है मुझे तुम्हारा भाग्य कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, इस बार आपको बड़ा अंक पाकर शीघ्र ऊपर बढ़ना होगा, अन्यथा हम सदैव के लिए इस वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ कुमार कार्तिकेय, शीघ्र कीजिए, हमें मुक्त कराइए। पर अपनी दृष्टि साध रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुमार कार्तिकेय को इस चाल में आगे बढ़ने के लिए 10वें अंक के वर्ग तक पहुंचना होगा।
आगे बढ़ने दे रहा हूँ मैं इसे, ताकि जब ये ऊंचाई से गिरे तो इसे देखकर मुझे आनंद आए। यदि कुमार कार्तिक इसी प्रकार धीमी गति से आगे बढ़ते रहे तो अरे तारकासुर को पार कर खड़क को प्राप्त करने में वर्षों बीत जाएंगे। देवराज, कुमार कार्तिक अपनी इच्छा से विलंब नहीं कर रहे हैं, जो अंक उनके भाग्य में है वही प्राप्त हो रहे हैं उन्हें। उचित है वायुदेव, आपका कथन सर्वथा उचित है, किंतु इस क्रीड़ा में कुमार कार्तिकेय ने अपने भाग्य के साथ हमारे भाग्य को जोड़कर क्या उचित किया। लो देखो, अब पुनः मेरी बारी है। मुझे 3 अंक चाहिए। 3। तारकासुर 70 के अंक वाले वर्ग पर पहुंचे और कुमार कार्तिक तो अभी 16 पर ही है। चलो देव सेनापति, चलो अपनी चाल चलो। सेनापति, अब ये कहां उलझ गए तुम? तारकासुर, उलझा मैं नहीं, उलझे तो तुम हो। ये बालकों की क्रीड़ा छोड़ो और मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा समाप्त करने चलो। उलझ रहा हूं मैं? मैं तो तुम्हारे ही समक्ष हूं। ओह, समझा, आतंकित हो गए हो तुम मुझसे, इसलिए उन देवताओं के निकट पहुंचकर स्वयं को सुरक्षित समझना चाहते हो तुम, है ना? क्या हुआ तुम्हारा साहस कुमार कार्तिके? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और इतने भयभीत हो गए तुम मुझसे? अरे साहस नहीं था तो मेरा सुझाव स्वीकार कर लौट जाते कैलाश, और वहां अपने माता पिता की निगरानी में क्रीड़ा करते। प्रतीत होता है इस बालक को क्रोध आ रहा है, तो क्या प्रतिशोध लेना चाहते हो तुम मुझसे? प्राप्त हुए अंक के अनुसार कुमार कार्तिकेय जिस वर्ग पर पहुंच चुके थे वो क्रोध को दर्शा रहा था। क्यों? क्रोध आ रहा है ना तुम्हें? हाँ तो लो लो, ये खड़ग और अंत करो मेरा। और उसके पश्चात तुम्हारे संपूर्ण परिवार का
ब्रह्मदेव, महादेव और फिर तुम्हारी माता का। क्यों क्रोध आ रहा है ना तुम्हें? हाँ तो लो लो ये खड़ा और अंत करो मेरा। मेरा अंत करने का सबसे उत्तम अवसर है ये कुमार कार्तिकेय। अभी अंत नहीं किया तो बहुत पछताओगे तुम। लो थामो ये खड़ग, लो अंत कर दो मेरा। कहाँ चले गए कुमार कार्तिकेय? हमारी पीड़ा का आभास भी है या फिर ये सब कुछ एकमात्र क्रीड़ा है उनके साथ? देवराज इंद्र तनिक धैर्य रखिए, यहाँ हम तीन एकत्र तो हैं। पता नहीं उस दुष्ट तारकासुर ने कुमार कार्तिकेय को कहाँ भेज दिया, और वो जहाँ भी हैं वो तो सर्वथा अकेले ही है ना। देवराज वो हमारे लिए अपने प्राण दाव पर लगा रहे हैं, उसके समक्ष हमारी पीड़ा कुछ भी नहीं। इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी, अब कुछ ही समय शेष है तो अंत समय में जो भी एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हो कह लो, क्योंकि वृक्ष बनने के उपरांत तो मूक हो जाओगे ना तुम। तो क्या हमारी श्रवण शक्ति भी शेष नहीं रहेगी? कदाचित। उत्तम, वही उचित होगा। तुम्हारे ये अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए हम विवश तो नहीं रहेंगे। बस बहुत हुआ, तुम्हारा देव सेनापति गया, उलझ गया वो अपने ही क्रोध के जंगल में। अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। पुत्र, पुत्र मेरे नेत्रों में अपनी छवि को देखो, क्रोध के कारण कितनी विकृति आ गई है तुम्हारे सौम्य रूप में। जानी नाम चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। माँ मैं वो पुत्र तीव्र क्रोध से प्रभावित हो गए थे तो यही दुष्परिणाम है क्रोध का। वो व्यक्ति को आत्मनियंत्रण से वंचित करता है, व्यक्ति उचित निर्णय लेने की क्षमता को खो बैठता है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के भीतर के समस्त विकारों को बाहर लाता है, उसके सर्वाधिक बुरे स्वरूप और आचरण को प्रकट करता है। पुत्र हमारा क्रोध हमें दुर्बल बनाकर हमारे शत्रु को सबल बनाता है। शत्रुओं को पराजित करना है तो तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा पुत्र। धन्यवाद माता, आज के पश्चात मैं कभी क्रोध को स्वयं पर हावी नहीं होने दूंगा। कुमार कार्तिकेय, लो ये हथियार, यही उत्तम अवसर है, अपना प्रतिशोध पूरा कर लो कुमार कार्तिकेय। तारकासुर, जब तक तुम निशस्त्र हो मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगा, किंतु धर्मानुसार युद्ध भूमि में। ओम नमः शिवाय।
लौट आया। जब कुमार कार्तिकेय पुनः क्रीड़ा में लौटे तो वो सर्प की पूंछ से लुढ़ककर और भी नीचे पहुंच गए थे, और इस प्रकार ये क्रीड़ा आगे बढ़ती गई। तारकासुर पांसों को घुमा के फेंकता रहा, अपने अनुसार अपने अंक प्राप्त कर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ता रहा। तो वहीं दूसरी ओर स्कंद माता कुमार कार्तिकेय के लिए पांसे फेंक रही थी। इधर तारकासुर 80 के अंक तक पहुंच गया था, किंतु कुमार कार्तिकेय अभी तो 50 के अंक तक ही पहुंचे थे। ये तो उचित नहीं, तारकासुर छल कर रहा था और फिर भी वो विजय प्राप्ति की ओर बढ़ रहा था, और इधर कुमार कार्तिकेय छल रहित क्रीड़ा कर रहे थे, बार बार नीचे पहुंच रहे थे। यही तो थी स्कंद माता की लीला। इस क्रीड़ा में कुमार कार्तिकेय अपने आंतरिक शत्रुओं अर्थात नकारात्मक भावनाओं से सामना करने के लिए प्रेरित हुए। सुंदर नगर में उनका सामना काम और लोभ से हुआ, तो उसके बाद उन्होंने क्रोध पर अपनी विजय प्राप्त की। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय को जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीख प्रदान कर रही थी, अपने अंतर को शुद्ध करने की सीख, जिसके उपरांत ही देव सेनापति अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तारकासुर का वध करने में सफल होने वाले थे। किंतु अभी जब तक ये क्रीड़ा हो रही थी, देवताओं पे संकट गहरा रहा था। वो प्रतिक्षण वृक्षों में भी परिवर्तित हो रहे थे, और कुमार कार्तिकेय को क्रीड़ा पटल पर तारकासुर के निकट पहुंचना था। चलो चलो अपनी चाल कुमार, चलो। माँ, इस बार मुझे अच्छे अंक प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा मेरी पराजय होगी, देवताओं की पराजय हो जाएगी। उचित स्थान पर ले जाए। अब आएगा आनंद। कुमार कार्तिकेय तो अब तारकासुर के अत्यंत निकट पहुंच गए। मुझे पूर्ण विश्वास है, आपने पासे फेंक कर मेरा उचित मार्गदर्शन करने हेतु ही ये अंक प्रदान किए हैं। कुमार कार्तिक ने सीढ़ी प्राप्त की, किंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत भी वो सर्प के मुख में प्रवेश कर गए। तुच्छ देवता,
शूरवीर। युद्ध कला के ऐसे दांव तो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें इस योद्धा को देखकर ईर्ष्या हो रही है क्या? महादेव पुत्र हो तुम, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हो, समस्त संसार में तुमसे श्रेष्ठ योद्धा नहीं है कोई, ना कोई आसु और ना ही स्वयं त्रिदेव भी। कौन कौन हो तुम? मत, तुम्हारा मत। किसी को भी पराजित कर सकते हो तुम, ऐसे भी युद्ध कला में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं तो स्वयं चुनौती दो इस योद्धा को और धूल धूसरित कर दो इसे। जो कोई भी हो मेरे समक्ष कदापि नहीं टिक सकोगे। यह अवश्य ही तारकासुर की कोई कपट चाल है, इससे तुम्हें अवश्य निपटूंगा ही, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें भूमि पर गिराऊंगा। तारकासुर को भी तो ज्ञात हो कि वो मेरे चाहे कितने ही प्रतिरूप क्यों ना बना ले, किंतु समस्त संसार में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय मात्र एक है और एक ही रहेगा। श्रेष्ठ योद्धा हो तुम, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तुम स्वयं भी नहीं। तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते, मैं सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ हूं। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय। पूर्ण विश्वास है तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो तुम। स्वयं से शेष योद्धा को देखकर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या अर्थात मत्सर का भाव उत्पन्न हुआ और उस ईर्ष्या के भाव ने तुम्हारे भीतर जो प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न किया वो एक सीमा तक तो उचित है, किंतु जब उस भाव के कारण तुम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित तो समझ वह अहंकार अर्थात मत का आरंभ है और अहंकारी व्यक्ति का पत तो सदैव निश्चित। माँ, मैं आपका कथन समझ रहा हूं, किंतु क्या मद और मत्सर की भावनाएं व्यक्ति को आगे बढ़ने प्रगति करने के लिए प्रेरित नहीं करती? पुत, मोह, लोभ, काम, मत्सर, मद, क्रोध अर्थात अंतर में छिपे ये छह शत्रु तो सभी के भीतर होते हैं, जो तुम्हारा आत्मनियंत्रण खोकर तुम्हें विनाश की ओर प्रेरित करेंगे, किंतु उसके विपरीत सकारात्मक भाव जैसे प्रेम, बल, आत्मविश्वास, निष्ठा और नम्रता से प्रभावित होगे, तो तुम सदा अपने स्वभाव के अनुसार उचित आचरण करोगे पुत्र। माँ,
आपकी देखरेख में मैंने अपनी तपस्या पूर्ण की है। मेरे समस्त चक्र भी जागृत है, फिर भी मेरे भीतर नकारात्मक भावनाएं क्यों है माँ? पुत्र, तुम्हें अभी ज्ञान के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त करने शेष थे, जो तुम्हें जीवन के संघर्षों से ही प्राप्त होंगे। तुम्हें संघर्ष पथ पर डाल मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ पुत्र। इस क्रीड़ा में जब भी तुम्हें सर्प ने निकल कर जीवन की संघर्ष की नवीन परिस्थिति में डाला, तो तुम उस संघर्ष से जूझ कर एक नवीन अनुभव प्राप्त की। तुम्हारा संघर्ष किससे? स्वयं से। कौन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? स्वयं तुम। अपने भीतर छह दुर्बलता पर विजय प्राप्त करो पुत्र। तो तुम स्थिरता से कर्म और विजय के लिए तैयार हो जाओगे। और रही बात तारकासुर, तो उसकी चिंता मत करो पुत्र। तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक प्रभावित कर रहे हो तुम उसे। जितनी बार तुम उसके बिछाए जाल को भेद कर सफलता पूर्वक क्रीड़ा में लौटते हो, वो तुमसे उतना ही अधिक आतंकित होता है। आपका अभिवादन करता हूं। आप अत्यंत कुशल, समर्थ और दक्ष योद्धा हैं। ये क्या 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 कर रहे हो तुम? तुमसे भी कोई श्रेष्ठ है ये कैसे स्वीकार कर सकते हो तुम? मद व्यक्ति के भीतर अपूर्णता और असुरक्षा के भाव से उत्पन्न होता है, किंतु मेरे मन में मुझे लेकर कोई आशंका नहीं है, इसीलिए तुम मुझे तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो। अरे क्या कर रहे हो? धन्यवाद माता। बहुत पीड़ा हो रही है ना तुम्हें? हाँ, बस थोड़ी प्रतीक्षा और उसके पश्चात तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। सत्य कहा तुमने। लो, मैं लौट आया। तो क्या अब हम अपनी क्रीड़ा आगे बढ़ाएं तारकासुर? कैसी मिट्टी से उत्पन्न हुआ है ये? ऐसा क्या है इसमें जो ये प्रत्येक संकट से बाहर आने में सक्षम हो रहा है? मैं अपने माता पिता आदि पुरुष महादेव एवं आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती के चरणों की धूल से उत्पन्न हुआ हूँ तारकासुर। कुछ और प्रबल प्रभावी युक्ति का प्रयोग करके देख लो तारकासुर, क्योंकि तुम्हारी इन तुच्छ सी युक्तियों से मैं तो पराजित नहीं होने वाला।